for those who are not Muslims, they can still find peace by doing the right thing, because God is one, and that is the concept of God. So let us stop talking about religion politics. The sister wants to give a lecture. Put off the microphone. You can hire the stadium. No, you are a prophet. You are in mass communication. You can hire the stadium. The sister is of mass communication. She saw an opportunity. MashaAllah, 20,000 people. Let me start preaching. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ इंसान में लचक, नरमी और समझ आ जाती है, मगर ये शायद बात कुछ लोगों पर सादिक नहीं होती, क्योंकि आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें ईसाई खातून बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई और उसने डॉक्टर जाकिर नायक के साथ इंतहाई बदतमीजी से पहले तो इसने अपना मौकफ पेश किया, मगर फिर साथ ही उन पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए, मगर अपने मौकफ के बावजूद नरमी के साथ पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर डॉक्टर साहब भी सीख पा नजर आए और उन्होंने इंतजामिया से कहकर इस खातून के सामने से माइक हटवाया, मगर ये भी मकरतीस की तरह माइक की तरफ खींची चली गई। किसी तौर पर भी ये खातून माइक छोड़ने को तैयार न थी, तो मजबूरन डॉक्टर साहब ने इसका माइक ही बंद करा दिया और फिर इसके फैलाए जहर का जवाब देना शुरू किया। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके लिए सबक भी है, हिकमत भी और इल्म भी। नाज़रीन, ये खातून माइक पर आई और कहने लगी कि मेरा नाम एंड्रिया है और मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक सीनियर लेक्चरर हूँ। मैं एक चीज को वाज़ह करना चाहती हूँ, कुछ मुझसे पहले ये नौजवान नहीं कर पाया। बाइबल में लिखा है कि मैं और मेरा बाप एक हैं। जब जीसस दुनिया में रह रहे थे तो उन्होंने अपने पैरोकारों को कहा कि मैं ये दुनिया छोड़कर रूह मुकद्दस के पास जा रहा हूँ। मैंने बहुत से मजाहिब को पढ़ा है, इस्लाम, बुद्ध मत समेत बहुत से मजाहिब का मुझे इल्म है। हर मजहब अमन की बात करता है, तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। जब तुम कहते हो कि अमन और सलामती सिर्फ इस्लाम कबूल करने से ही हासिल हो सकती है, अगर तुम ये सिर्फ मुसलमानों से ही कहो तो ठीक है, मैं भी इससे इत्तेफाक करूंगी, मगर गैर मुस्लिमों को ये कहना इंतहाई गलत है। जो चीज जरूरी है वो यही है कि खुदा पर ईमान लाया जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक है जो हमारे अच्छे काम देखता है। मजहब में सियासत को घसीटने से बाज रहो और कौमों के दरमियान इत्तफाक की बात करो, क्योंकि हम पहले ही बहुत तकसीम हो चुके हैं, बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। इस सवाल के दौरान भी डॉक्टर साहब ने इसको टोका कि बहस या लेक्चर देने का वक्त नहीं है, सवाल मुख्तसर होता है, मगर ये खातून टस से मस ना हुई। आप इस खातून के सवाल सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी भी सुनाते हैं। You said that the only way somebody can have peace is through Islamism. You are right, but that should be only for the Muslims, so that for those who are not Muslims, they can still find peace by doing the right thing, because God is one, and that is the concept of God. So let us stop talking about religion politics. This is not a lecture time. Sister, this is not a lecture time. Did you hear the rules? Your question should be in two or three sentences. This is the question answer time, not a lecturing time. बताने की तो ये कॉलेज में लेक्चरर थी, मगर जबान से किसी तौर पर भी पढ़ी लिखी नजर नहीं आती थी। डॉक्टर साहब ने इससे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, तुम्हारी बदतमीजी का नहीं। मुझे बताओ जो हवाला तुमने अपने सवाल में दिया, मैं और मेरा बाप एक है, वो किस किताब में है? मगर ये चीज इसको मालूम न थी, तो आए बाएं शाएं करने लगी, मगर आखिरकार जब इसने बुक ऑफ मैथ्यू का हवाला दिया तो डॉक्टर साहब ने उसको फौरी पकड़ लिया और कहा कि तुम गलत कह रही हो, ऐसा तो बुक ऑफ मैथ्यू में लिखा ही नहीं। गलती पकड़े जाने पर बजाय माजरत करने की ये खातून चिल्लाने लगी और कहने लगी, ऊंची आवाज में मत बोलो, मैं सही हूँ और तुम गलत हो। आप भी ये मनाज़िर देखें। यू हैव कोटेड मी फ्रॉम द बाइबल दैट आई एंड माय फादर आर वन। आई वांट टू नो, डू यू नो द रेफरेंस? डू यू नो वेयर डज द बाइबल सेज व्हेयर जीसस क्राइस्ट सेड आई एंड माय फादर आर वन? यस, द बाइबल सेज सो इन बुक ऑफ मैथ्यू। यू आर रॉन्ग, नोवेयर डज द बाइबल सेज इन बुक ऑफ मैथ्यू। डॉक्टर जाकिर नायक ने उस खातून को कहा कि बहन, तुमने बाइबल का गलत हवाला दिया, इसको मान जाओ, मैंने बाइबल पढ़ी है, मगर शायद तुमने ईसाई होने के बावजूद नहीं पढ़ रखी। मैं जानता हूँ कि हवाला कहाँ लिखा है, तुम्हारा सवाल करने का वक्त खत्म हो गया, अब माइक को छोड़ दो। साथ ही उन्होंने इशारा किया और दो आदमी उस खातून के आगे इसे माइक उठा कर ले गए, क्योंकि ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर हैरानी तो तब हुई, ये खातून भी माइक के साथ साथ ही आगे चलने लगी और कहने लगी कि मैंने अभी मजीद बात करनी है। इतने में इंतजामी एहलकार ने माइक फिर पकड़ा और थोड़ा दूर रखा, मगर एंड्रिया माइक की जान छोड़ने को तैयार न थी और साथ साथ ही चलने लगी, जिस पर डॉक्टर जाकिर नायक भी तप गए और कहने लगे कि बहन, तुम ऐसा करोगी, ये स्टेडियम कल किराए पर लेना और शहर में मनादी करा देना कि तुमने लेक्चर देना है। अगर कोई आ जाए और तुम्हारा लेक्चर सुनने को तैयार हो तो जो चाहे बोलो, मगर यहाँ मौजूद हजारों लोगों का वक्त जाया न करो। उन्होंने इंतजामिया से कहकर इस खातून का माइक
बंद कराया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस मौके पर बहुत बरहम हो चुके थे। उन्होंने कहा कि बहन मास कम्युनिकेशन के शोबे में लेक्चरर है, इसने 20,000 लोगों का मजमा देखा तो सोचा कि वह ये वक्त जबरदस्त है, मैं अपनी बात रख देती हूँ, सारे सुन लेंगे, अगर बोलने का इतना ही शौक है तो ये स्टेडियम हायर कर लेना, देखते हैं कि 20,000 लोग आते हैं या नहीं। वो नहीं आएंगे, तुमने सवाल किया इसके बाद मुझे जवाब देने दो, तुम्हारा माइक अब बंद ही रहेगा क्योंकि तुम्हें शायद कोई मसला है, किसी की बात सुनती ही नहीं। आई कैन नॉट हियर यू, यू आर शाउटिंग, आई कैन नॉट हियर यू, नाउ योर टाइम इज ओवर, वेट वेट सिस्टर फिनिश, यू कैन नॉट टॉक सो लॉन्ग, प्लीज पुट ऑफ दैट माइक्रोफोन, पब्लिक दैट सिस्टम वांट्स टू गिव अ लेक्चर, पुट ऑफ द माइक्रोफोन, यू कैन हायर द स्टेडियम, यू आर अ प्रोफी, यू आर इन मास कम्युनिकेशन, यू कैन हायर द स्टेडियम, यू कैन हायर द स्टेडियम टुमारो, हेलो, you can hire the stadium tomorrow. Listen, this is not a form. Do you understand English? Do you understand you? English? Do, if you understand English, this is a question answer time, not a giving a speech time. Listen, you are supposed to ask the question about? In two or three sentences. The sister is of mass communication. She saw an opportunity. MashaAllah, 20,000 people. Let me start preaching. You hire this hall tomorrow and give a talk. Let's see 20,000 come or not. They will not come. You ask a question, I want to reply. No, your microphone be off. Because you have a problem. You have a problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने लोगों का वक्त जाया न करते हुए और इस खातून की बदतमीजी के बावजूद इसके सवाल का जवाब दिया और बताया कि इस बहन ने कहा कि गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में इसने पढ़ा कि जीसस ने कहा कि मैं और मेरा बाप एक है। ये 100% झूठ बोल रही है। जीसस ने गॉस्पल ऑफ जॉन में ये कहा कि मैं और मेरा बाप एक है, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये ईसाई होने का दावा करती है मगर बाइबल को ही नहीं जानती। इस आयत का मतलब जानने के लिए इसके सयाक व सबाक को जानना जरूरी है। मेरा चैलेंज अब भी है कि बाइबल से कोई ऐसा मुस्तनद हवाला कोई भी मुझे दे जिसमें जीसस ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या कहा हो कि मेरी इबादत करो तो मैं इस आयत कबूल कर लूंगा। ये हवाला कि मैं और मेरा बाप एक है इस चैलेंज पर पूरा नहीं उतरता। इसका सयाक व सबाक जानने के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना होगा। इसमें लिखा है कि जीसस हजरत सुलेमान के मजार में दाखिल हुए तो वो यहूदी जो वहाँ मौजूद थे उनके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, आप हमें कब तक उलझन में रखेंगे? अगर आप मसीहा हैं तो साफ साफ बता दें। यसू ने जवाब दिया कि मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम पर करता हूँ मेरे बारे में गवाही देता है लेकिन तुम यकीन नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, मैंने जानता हूँ और वो मेरी पैरवी करते हैं। मैंने हमेशा जिंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक नहीं होंगे क्योंकि उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकेगा। मेरा बाप जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, कोई भी उन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक है। इस सयाक व सबाक के मुताबिक जीसस और खुदा एक कैसे हो गए? अगर मेरे वाले डॉक्टर थे और मैं भी डॉक्टर हूँ फिर भी कहूंगा कि मैं और मेरे बाप डॉक्टर हैं, तो क्या हम एक इंसान या एक शख्सियत या एक वजूद बन गए? इस बहन को अंग्रेजी नहीं आती, शायद इसीलिए। अगर इसने ये सब पढ़ा तो उसको जानती नहीं। हमारा मकसद एक है, हम दोनों डॉक्टर हैं मगर हम एक वजूद नहीं। ऐसे ही जीसस ने भी कहा कि मैं और खुदा दोनों का मकसद एक है। इसका मतलब ये नहीं कि वजूद भी एक है। आई एंड माय फादर आर वन, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? If I say my father is a doctor, I am a doctor, I and my father are one, do we become one human being? They don't know English. My father is a doctor, I am a doctor, I and my father are one, mean in purpose we are one, we both are doctors. So here Jesus Christ, peace be upon him, saying, no man can pluck them out of my hand, the followers. No man can pluck them out of my father's hand. I and my father are one, that means in delivering the message of God, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन ने हवाला तो दे दिया मगर इसका मतलब नहीं जानती। इसलिए तो मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि मैं ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हूँ क्योंकि मैं जीसस की तालीमात पर अमल करता हूँ क्योंकि इनकी तालीमात इस्लाम ही है। मैं असल बाइबल की हर बात मानता हूँ मगर ये बहन नहीं मानती। इस चैप्टर की अगली आयत में लिखा है कि फिर इनके यहूदी मुखालिफिन ने उन्हें संसार करने के लिए पत्थर उठाए लेकिन जीसस ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत से अच्छे काम दिखाए, इनमें से किसके लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने कहा कि हम आपको किसी अच्छे काम के लिए संसार नहीं कर रहे बल्कि तौहीन रिसालत के लिए क्योंकि आप महज एक आदमी हैं और खुदा होने का दावा करते हैं। और यहूदियों का ये वही जवाब है जिस बहन की जहन में भी है कि जीसस खुदा है। यानी इस वक्त से लेकर आज तक बुनियादी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। मैं बाइबल को इस बहन से ज्यादा पढ़ रहा हूँ मगर ये बहन सिर्फ चिल्लाए जा रही है, अपनी गलती पर पछतावा भी नहीं है और बहस बराए बहस के मूड में है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।